नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण को क्यों करना पड़ा था शिशुपाल का वध, क्या है इसका रहस्य। महाभारत की कथा भगवान श्री कृष्ण के बिना अधूरी है। इसमें कई प्रसंग हैं। ऐसा ही एक प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल का। शिशुपाल रिश्ते में कौरवों और पांडवों का भाई था और भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था। शिशुपाल के जन्म की कहानी भी बहुत रोचक है। शिशुपाल वासुदेव की बहन और छेदी के राजा दमघोष का पुत्र था। इस तरह से वह श्री कृष्ण का भाई था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो वह विचित्र था। जन्म के समय उसकी 3 आंखें और 4 हाथ थे। यह देखकर शिशुपाल की माता पिता बहुत चिंतित हुए। उन्हें लगा कि उनके घर में पुत्र के रूप में कोई राक्षस पैदा हुआ है। इस भय से उन्होंने शिशुपाल को त्यागने का फैसला किया। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि बच्चे का त्याग न करें, जब सही समय आएगा तो इस बच्चे की अतिरिक्त आँख और हाथ गायब हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में बैठने के बाद इस बच्चे की आँख और हाथ गायब होंगे, वही व्यक्ति इसका वध भी करेगा। आकाशवाणी से शिशुपाल के माता पिता की चिंता चली गई, लेकिन उन्हें उसके वध की चिंता सताने लगी। समय तेजी से बीतने लगा। एक दिन कृष्ण अपने पिता वासुदेव की बहन यानी अपनी बुआ के घर आए। वहां शिशुपाल को देखकर उनके मन में स्नेह जागा और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। गोद में बिठाते ही शिशुपाल की अतिरिक्त आँख और हाथ अदृश्य हो गए। तब शिशुपाल को आकाशवाणी याद आ गई। इस घटना के बाद शिशुपाल की माता परेशान हो गई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से शिशुपाल का वध न करने का वचन लिया। भगवान अपनी बुआ को दुख नहीं देना चाहते थे, लेकिन विधि के विधान को वे टाल भी नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बुआ से कहा कि वे शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ़ कर देंगे, लेकिन 101वीं गलती पर उसे दंड देना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बुआ को ये भी वचन दिया कि यदि शिशुपाल का वध करना भी पड़ा तो वध के बाद शिशुपाल को इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले आए। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे ही विवाह करना चाहती थी। लेकिन रुक्मणी के भाई राजकुमार रुक्मी को रिश्ता मंजूर नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को महल से लेकर आ गए थे। इसी बात से शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता भी मानता था। जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया तो राजसूय यज्ञ कराया गया। इस अवसर पर सभी संबंधियों और रिश्तेदारों को बुलाया गया। प्रतापी राजाओं को भी आमंत्रण किया गया। इस मौके पर वासुदेव श्री कृष्ण और शिशुपाल आमंत्रित किए गए थे। यहीं पर शिशुपाल का सामना भगवान श्री कृष्ण से होता है। भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर ने आदर सत्कार किया। यह बात शिशुपाल को रास नहीं आई और सभी के सामने खड़े होकर इसका विरोध करने लगे। उसका कहना था कि एक मामूली ग्वाले को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है, जबकि इस अवसर पर कई वरिष्ठ और सम्मानीय जन मौजूद हैं। भगवान श्री कृष्ण शांत मन से पूरे आयोजन को देख रहे थे, लेकिन शिशुपाल उन्हें अपमानित करने का और उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करने का भगवान अपने वचन से बंधे हुए थे। इस कारण उसकी गलतियों को सहन करते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपशब्द पूर्ण किए और 101वां अपशब्द कहा, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को शिशुपाल का वध करने का आदेश दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मृत्यु दंड दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए
और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।